सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम लोग कहाँ पे, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ फ्रेंड्स, हम लोग हैं जोशीमठ, एक जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे आज हमारा रूम है, उसके विंडो से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है फ्रेंड्स, मॉर्निंग व्यू है फ्रेंड्स। ये हम लोग क्यों आए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हम लोग यहाँ एक जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पे घूमने के लिए आ रखे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको वैली ऑफ फ्लावर्स पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको दिल्ली पहुँचना है, दिल्ली पहुँचना है। अगर आप दिल्ली में हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो आपको दिल्ली से सबसे पहले आना है ऋषिकेश, ओके। हमने यही ट्रैक फॉलो किया था, इसलिए हम उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए आवाज़ आ रही है बाहर से, मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा फ्रेंड्स थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, ऋषिकेश पहुंचना है आपको। सबसे पहले पहुंचने के आपके पास दो तरीके हैं, आप कैब में भी आ सकते हो या फिर आप अपनी प्राइवेट कार में भी आ सकते हो, खुद ड्राइविंग करके आ सकते हो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे, या फिर आप बसेस के थ्रू भी आ सकते हो। बस अगर आपको पकड़नी है तो आप कश्मीरी गेट से पकड़ना फ्रेंड्स। हम कश्मीरी गेट के थ्रू आए थे और हम पहुँचे थे ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद फ्रेंड्स, आप यहां पे अगर आपका कुछ और प्लान है, आप यहां स्टे भी कर सकते हो, होटल वहां होटल वगैरह बुक करके। हमारा कोई प्लान नहीं था ऋषिकेश में, इसीलिए हम वहीं से एग्जिट कर लिया था फ्रेंड्स हमने, कुछ देर घूमने के बाद ये सब खाना वगैरह कुछ खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, जो ऋषिकेश से आपको जोशीमठ पहुँचना है, तो जोशीमठ पहुँचने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वहाँ से बसेस चलती हैं एक सुबह 4 बजे, एक 8 बजे और एक 8:45 पे, ओके फ्रेंड्स। तो कभी कभी सिर्फ 4 बजे या 8 बजे ही चलती है बसेस, ओके। ये प्राइवेट बसेस के बारे में बता रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट बस 5 बजे चलती है फ्रेंड्स, ऋषिकेश बस स्टैंड से चलती है, ओके। और कितने घंटे लगते हैं फ्रेंड्स ऋषिकेश से दूसरे में पहुँचने में, मैं आपको बताता हूँ, 10 घंटे लगते हैं पूरे के पूरे 10 घंटे।
सो हमने बस प्रेफर की थी, तो चाहे कोई भी बस हो वो 10 घंटे ही लेती है। सो हमने 4 बजे की बस पकड़ी थी और हम पहुंच गए थे यहाँ शाम को 4 बजे, यानी कि सुबह 4 बजे की बस पकड़ी और शाम को 4 बजे हम यहाँ पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ उजाला ही हो रहा था काफ़ी, तो हमने खुद ही होटल सर्च किया अपना और हमें अच्छा होटल मिल गया। ये रहा ये रूम हमारा। आप फ्रेंड्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं पहले से ही जोशीमठ के होटल्स, और आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, पहुंचने के बाद हमने क्या करा मैं बताता हूँ। हमने होटल सर्च किया, सर्च करने के बाद हम यहाँ आए, फिर उसके बाद हम लोग बुकिंग करने के बाद कहीं और कुछ खाने के लिए चले गए। शाम को इवनिंग स्नैक्स वगैरह किया, फिर डिनर विनर करके आए बाहर से, आके आराम से बिंदास रेस्ट किया और पूरे रात भर का हमारा रेस्ट ही रहा। और आज अभी नेक्स्ट डे है और हम लोग रेस्ट कर चुके, काफ़ी फ्रेश हो गए हैं और नहा धो लिया हमने, और अब हम निकलेंगे अगले सफ़र के लिए और वो है हमारा गोविंद घाट। तो हम लोग सबसे पहले अब यहाँ से जाएंगे गोविंद घाट, 9 बजे के बाद हम लोग निकलेंगे गोविंद घाट। और कैसे निकलना है फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से ना गाड़ियाँ मिलती हैं, ओके, 1 घंटे का सफ़र है, यानी कि 19-20 किलोमीटर है यहाँ से गोविंद घाट। आप वहाँ तक पहुँचोगे गाड़ी लेकर, ओके, आप यहाँ से बोर्डिंग कर सकते हो गाड़ी। तो हम लोग जाएंगे अभी सामान वामान पैक करके, और जैसे हम गोविंद घाट पहुँचे वहाँ से हम लोग को जाना है पुलना विलेज, वहाँ से भी व्हीकल मिल जाती है, ओके। और पुलना विलेज ज़्यादा दूर है नहीं फ्रेंड्स, 3-4 किलोमीटर है बस। और पुलना विलेज पहुँचने के बाद वहाँ से हमारी शुरू होगी ट्रैकिंग, सो तिल घांगरिया। टिल घांगरिया। सो जो ये पुलना विलेज है और घंघरिया है, इसके बीच में 11 किलोमीटर है फ्रेंड्स, यानी कि 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग होगी हमारी। और उसके बाद हम लोग घंघरिया में लेंगे रूम, हम लोग बुकिंग करेंगे वहाँ पे रूम और वहीं स्टे रहेगा हमारा। और उसके बाद का जो भी व्लॉग है हमारा वो हम वहाँ पहुँच कर बनाएंगे। चलो फ्रेंड्स बाय। और मुझे बोलना है मामू। कुछ और ऐड करना है क्यूटी को? तो अगर आप इस साइड का टूर प्लान कर रहे हो, तो अगर आप आउटसाइड उत्तराखंड से आ रहे हो, तो आपके लिए आरटीपीसीआर या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट वो मैंडेटरी है। मतलब जब आप इस साइड आएंगे तो बॉर्डर्स पे ये चीज़ स्ट्रिक्टली चेक की जा रही है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, अगर आप बस से भी आ रहे हैं, तो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जा रही हैं। तो बेटर है कि आप एडवांस में ही ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलिए। अगर आपको दोनों डोजेज लग गए हैं तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप आरटीपीसीआर या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा के आएँ। अगर आपको दोनों डोजेज लग गए तो आप आसानी से आ सकते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़, यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो अगर आप इस साइड प्लान कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अपने साथ वॉर्म क्लोथ्स रखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मॉर्निंग का टाइम है, तो हम रजाई में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो वार्म क्लोथ्स के साथ साथ आप रेनकोट मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश है बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी टाइम पे बारिश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख के चलिए, ताकि बाद में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि आप इमरजेंसी में ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेस करने के लिए इधर उधर जाएं। तो अगर आप इस साइड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख के चलिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप विद इन स्टेट ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप उत्तराखंड के और उत्तराखंड के अंदर ही ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपके लिए कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूरी नहीं है। ये हमें पता लगा कल जब हमारी चेकिंग चल रही थी। बट फॉर योर सेफ्टी इट्स बेटर कि आप या तो आपको दोनों डोजेस लगे हों, अगर आप उत्तराखंड से भी आ रहे हो, क्योंकि हम दूसरों को ऑफकोर्स रिस्क में नहीं डाल सकते, है ना। तो बेटर है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ हमारे विंडो से कैसा दिख रहा है, और उसी के साथ हम ब्लॉग खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में। एंजॉय द व्यू फ्रॉम अवर विंडो। अच्छा लग रहा है यहाँ पे।